कितनी अच्छी हमारे देखने में भाजी, कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप अगर पाव भाजी बनाएंगे तो आप मार्केट की खाना भूल जाएंगे, गारंटी बोल रही हूँ मैं, ये चीज की गारंटी ले रही हूँ। तो आप देखिए मैंने कैसे बनाई है पाव भाजी, तो आप इसी तरह से आप पाव भाजी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पाव भाजी बनाते हैं। नमस्ते, शौकीनों से हैशटैग लता में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए एक शिमला मिर्च ली हुई है, यहाँ पे लिए चुकंदर, और ये है फूलगोभी, ये है गाजर, इन सबको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं कुकर में, ये सब्जियां लेके सारी हम लोग कुकर में बनाते हैं, उससे तो बाजार जैसा टेस्ट नहीं आता है, बाजार में टेस्ट अलग ही आता है। वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े तवों पर बनाते हैं, तो उतने बड़े तवे तो हमारे घर में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ उसको, इसको बॉयल नहीं करूंगी, कढ़ाई में बनाती हूँ। तो इसमें मैंने ये कढ़ाई में एक चम्मच घी लिया हुआ है, इसको गर्म होने रख देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं जीरा, जीरा को होने देते हैं, जीरा हो गया है। अब हम अपनी सब्जियां इसमें डाल देते हैं, तो गाजर डालते हैं पहले। ये मैंने बीटरूट लिया है कलर के लिए, मार्केट में क्या होता है वो लोग कलर डालते हैं, हमको कलर नहीं डालना, क्यों कलर खिलाए अपने परिवार को। तो ये हमने लिया है एक बीटरूट कलर के लिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, खराब नहीं होता बीटरूट डालने से। सारी सब्जियां लेके हम डाल देते हैं कढ़ाई में अपनी। चुकंदर इसको भी डाल देते हैं। इसमें सब्जियां आप अपनी पसंद से ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हो इसमें आप, जो पसंद नहीं है उसको हटा सकते हो। तो इसको हम दो तीन मिनट पहले भून लेते हैं अच्छे से सब्जियों को अपनी। फिर सब्जियां भूनते हुए दो मिनट हो गए, अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, लेकिन पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे। हर दो मिनट में हम इसको चलाएंगे और फिर पानी डाल देंगे, ताकि ऐसा करने से होगा ये सब्जियां साथ साथ भुनेगी भी और पक भी जाएंगी, और इनमें पानी की मात्रा भी ज्यादा नहीं रहेगी, इसमें तंदूर वाला टेस्ट आ जाएगा। तो हम इसको भी ढक देते हैं, पांच मिनट इसको पकने देते हैं, खुल के देते हैं। इसको पकते हुए पांच मिनट हो गए, पानी भी सारा सूख गया है, थोड़ा सा पानी है, सब्जियां भी हमारी नरम हो गई है। तो हम इसमें डालते हैं, ये मैंने यहाँ पे तीन टमाटर रखे हुए काट के, ये डाल देते हैं, और ये है पाव भाजी मसाला, तो एक चम्मच भर के हमें पाव भाजी मसाला डाल देते हैं इसमें। तो सब्जियों के हिसाब से हम डालते हैं इसमें नमक एक चम्मच, और इसको मिक्स करके वापस थोड़ा सा पानी फिर डालते हैं, और फिर एक मिनट पकने रख देते हैं, थोड़ा सा पानी और डालते हैं, फिर ढक के पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पांच आलू, ये मध्यम आकार के आलू हैं, मीडियम साइज के। यहाँ पे लिया लहसुन, ये लिया अदरक, और यहाँ पे दो हरी मिर्ची और एक बड़ा प्याज। तो अदरक और लहसुन का तो हम पेस्ट बना लेंगे, और ये बॉयल आलू हैं तो इनको हम कर लेंगे ग्रेट, ग्रेट कर लेंगे, मसल लेंगे हाथ से, और ये प्याज और इसको हरी मिर्ची को काट लेते हैं। सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें डाल देते हैं आलू जो मैश करके हमने रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। आलूओं को भी हम पहले भूनते हैं अच्छे से सब्जियों के साथ, हम पटेटो मिक्सर से ये सब्जियां मैश कर लेते हैं। अगर पटेटो मिक्सर नहीं है तो आप कड़सी होती है इसके बैक साइड से आप इसको दबाएंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा, अगर आपकी सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो गई होगी तो इससे ही मैश होना शुरू हो जाएगी। देखिए तो आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हो सब्जियों को। इसमें हम डाल देते हैं हल्दी और थोड़ा सा पहले इसको भून लेते हैं, हल्दी को मिक्स कर लेते हैं। अब हम पानी डाल के इसको पांच मिनट और पकने देते हैं। तो हम ढक के इसको पका लेते हैं अभी पांच मिनट के लिए। ये हमारी भाजी हो गई है तैयार, अब हम इसको हटा के इसमें लगाते हैं तड़का। अब यहाँ पे हम लेते हैं बटर,
तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बटर ले लिया है। हमारा बटर जले नहीं तो आप फटाफट डाल देते हैं प्याज। ये प्याज और हरी मिर्च काट के रखी हुई है, डाल देते हैं। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देते हैं और भूनते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, अब हम इसमें डालते हैं एक कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैं 1.5 चम्मच डाल देते हैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे ये छोटी वाली चम्मच से 4 चम्मच में पाव भाजी मसाला डालते हैं। ये 4 चम्मच में पाव भाजी मसाला डाल दिया है। हम डालते हैं ये रेगुलर वाली मिर्ची, लाल वाली 1/2 चम्मच। और इन सबको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। पहले मसाले भून गए, अब हम इसको डालते हैं भाजी। मिक्स करते हैं पहले अच्छे से। मैंने बटर डाला था, अगर बटर नहीं है तो घी डाल सकते हो, घी में तड़का लगा सकते हो। इसको 2 मिनट पका लेते हैं। पाव भाजी हमारी बन के तैयार हो गई है, हम कर देते हैं गैस बंद। दोस्तों इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है, कैमरे में पता नहीं पीला पीला क्यों दिख रहा है मालूम नहीं, लेकिन ये बिल्कुल मार्केट जैसी रेड बनी हुई है। ये है नींबू का रस, 1 बड़ा नींबू है, ये डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे लिए पाव, चलिए पाव हम सेक लेते हैं अपना, काट लेते हैं पहले बीच में से। तवे पे हम लेते हैं बटर, इसमें डालते हैं हम थोड़ी सी पाव भाजी, बनी हुई पाव भाजी है वो डाल देते हैं इसमें। और ये इसमें काट के रखते हैं पाव, ये डाल देते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं। इस तरफ ही बटन लगाते हैं और इसमें इस तरफ पलट लेते हैं। चलिए पाव भी हमारे सीख गए हैं, अपनी पाव भाजी सर्व कर लेते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, फिर अपनी इस प्लेट में अपनी भाजी निकालते हैं। बटर डाल देते हैं, डालते हैं धनिया की पत्ती, लीजिए हमारी पाव भाजी तैयार हो गई है। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनती है, आप मार्केट की खाना भूल जाएंगे। अभी इसका कलर सही आ रहा है कैमरे में, उस टाइम में पीला पीला हो रहा था। तो हमारी पाव भाजी तैयार है बनके, आप इसी तरह पाव भाजी बनाइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।